सो भाई पीसी थोड़ा यूनिक है, रफली 2 लाख के आसपास का पीसी है, 2 लाख के आसपास का। और कहाँ का है? उस जगह का है जिस जगह अभी हम घूम के आ रहे हैं, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर का पीसी है, मिस्टर हमारे कामरान जहूर साहब का पीसी, जो कि रहने वाले कश्मीर के। 2 लाख का बजट इनका, गेमिंग पीसी है। सो व्हाट्स अप, कैसे हो आप साहब? शराब खान, अंकित भाई आपके रास्ते में भी आ रहे हैं। वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले। पीसी मेरे पीछे रखा हुआ है, पूरा कॉन्फिगरेशन रखी हुई है। आपको हम दिखाते हैं 2 लाख रुपए में क्या गजब पीसी बनाए, लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड के साथ है, 4070 Ti के साथ, लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर के साथ है, सब कुछ ओवरऑल इसमें लेटेस्ट है। एक बार देखो और बताओ कि इस बजट में क्या ये पीसी अपनी वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि यही पीसी और सस्ते में बन सकता है, क्योंकि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लगाई हैं जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग यहाँ पहुँच गई है। तो देखो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। देखो, हम लोग जो सबसे पहले चीज़ इसमें कैबिनेट, ठीक, कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। ये देखो कैबिनेट का नाम यहाँ दिखा दें आपको हम, ना आप कन्फ्यूज जाओगे। एक सेकेंड, खोल दिए हम लोग ने, अनबॉक्स की इसको। ये रखी है थर्मल टेक की व्यू 71TG। अब इन लोगों ने पागल बनाने के लिए क्या किया है, फ्रंट में 3 फैन डब्बे भी दिखा दिए हैं, ठीक, बट एक्चुअल फैन कैबिनेट में 3 फैन नहीं आते हैं। एक्चुअल कैबिनेट में ये आते हैं 2 फैन फ्रंट में, देखिए है। तो ये कैबिनेट यूज़ होती है जो कि आपके सामने ये है। तो इस तरीके की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कैबिनेट में, ये टफन ग्लास, टॉप पे टफन, लेफ्ट में टफन, राइट में टफन, सब टफन ग्लास। पावर ऑन ऑफ स्विच देखिए आपका ये दे रखा है, 3.0 के 1, 2 पोर्ट, ये 2.0 के 2 पोर्ट, हेडफोन जैक, माइक जैक और LED बटन और ये LED का वो, ठीक। उसके अलावा ये यहाँ से ये खुलता है, देखिए इसका डोर, यहाँ से एक पेज खोला हमने और एक पेज खोला आपका इस जगह से यहाँ से। उसके बाद ये देखिए अंदर का हिसाब क्या है भैया इसमें, देखिए ये आपको एक फ़ैन पीछे मिलता है 120-140 mm का, 2 140 mm के फ़ैन यहाँ मिलते हैं आपको, ये एक, ये एक, ये 4 हार्ड डिस्क के स्लॉट हैं, 360 mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हो प्लस 6 फैन के साथ। ये आपका वर्टिकल माउंट के लिए रखा ग्राफिक कार्ड के लिए, SMPS का श्राउड जिसमें आपको पन्नी लगी हुई मिलेगी, मतलब पूरा कवरिंग इन्होंने कर रखी है, एक्रेलिक है ये, ये टफेन नहीं है यहाँ पे, ठीक। उसके अलावा हार्ड डिस्क का और SMPS श्राउड, ये आपके SSD के स्लॉट दे दिए उन्होंने। और पीछे जब आप देखेंगे तो पीछे भी इसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैनिपुलेट कर रखा है। तो अभी पूरी कैबिनेट अनबॉक्स होगी, आपको दिखाएंगे, आप बताना दिखने में कैसी लग रही है, ठीक। सबसे पहली चीज़ ये कैबिनेट की कॉस्टिंग है रफली 17,000 से 18,000 लेके 20,000 के आसपास ये कैबिनेट आपको कॉस्ट करती है। उसके साथ साथ देखिए, सो गाइज, अगर आपको भी कोई इसी तरीके से पीसी बिल्ड करना है तो सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम शादाब खान, ये आपकी भाभी निशी भाभी, आप अंकित कुमार शर्मा। तो हमारा जो स्टोर का नेम है वो मिस्टर पीसी वाले सिचुएटेड है हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर आपको कोई इसी तरीके से पीसी बिल्ड कराना है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट खोल के देखिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे हर स्टेट वाइज हमने लिख रखा है कहाँ कहाँ हमने शिपिंग की है। अगर आपको हमसे पीसी परचेस करना है तो अभी हमारे पास 2 वेज हैं। सबसे पहला वेज है व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्या है, 9532777615। वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करिएगा और आपको जल्द से जल्द रिवर्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा व्हाट्सएप पे, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, आपको रिवर्ट मिल जाएगा। बाई चांस रिवर्ट नहीं मिलता है, क्या नंबर क्या है, 9532777615। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन हमसे कॉन्टेक्ट करने का है वो मैडम क्या है, सेकंड ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, यूजर हैंडल है हमारा मिस्टर पीसी वाले विदाउट एनी स्पेस, वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म मिलेगा जिसे आप फिल कर दोगे। वहाँ पे मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी और फिर हम बात करेंगे। और हाँ, फेक पेज से बचना, हमारे बहुत सारे हमारे नाम के फैन पेज फेक पेज बने हुए हैं, तो प्लीज उनसे बचना, बचिए, ठीक। और उसके अलावा अगर आप चाहते बताएं आपको, हम लोगों ने इंडिया के काफी बड़े बड़े गेमर्स के पीसी बिल्ड किए, जैसे अंतर्यामी गेमिंग, बंदूक बास, साइबर, एंड्रियोबी, किलचोर, राही, मतलब एटसेट्रा सारे। और आपको बताएं, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, व्हाट्सएप नंबर, ये सारे यूट्यूबर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो आप हमसे भी इसी तरीके पीसी ले सकते हैं। इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने हमारी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक फैन पीछे आता है, 2 फैन फ्रंट में आते हैं, हमने इसमें 3 फैन, 1, 2, 3 फैन लगाए हैं ऑलरेडी साइड में, जो है आपके कूलर मास्टर के MF120S2 फुल सील्ड पैक फैन है, ये देखिए 3 फैन ही हम लगाएंगे। उसके बाद इसमें, और हाँ आपको बताएं, इन सब के कंपोनेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप चेकआउट कर लीजिएगा कि किस दिन आप जब वीडियो देख रहे हैं उस पर्टिकुलर उसका प्राइस क्या है। और भैया इसी तरह कोई पीसी आपको बाय करना है तो आप किस नंबर आ रहा है 9532777615, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी टाइम नए पीसी के लिए। ऑल ओवर इंडिया हमारी शिपिंग होती है।
उसके बाद देखिए जो हम लोग प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं इंटेल का i5-13600KF LGA1700 आने वाला प्रोसेसर, जो कि भैया देखिए फुल सील्ड पैक है, दिखाएं आपको, ये देखिए यहाँ से भी सील लगी हुई है, ये देखिए सील, ये देखिए सील्ड पैक, और ये रहा इसका सीरियल नंबर, ठीक, प्रोसेसर ये यूज़ हो रहा है। उसके अलावा और हाँ इसके बेंचमार्क भी आएंगे, देख रहिएगा 4070 Ti के। उसके अलावा XPG की गैमिक्स S70 Blade 1TB की Gen 4 NVMe यूज़ हो रही है, जिसकी रीड स्पीड है up to 7400 Mbps, राइट up to 560 800 Mbps। उसके अलावा जो मदरबोर्ड यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है गीगाबाइट का Z790UDAC LG1700 सपोर्ट करता है, प्लस DDR5 सपोर्ट करता है मदरबोर्ड। और ये देखिए यहाँ से सील्ड पैक, और ये रहा इसका सीरियल नंबर, बाकी सारे कंपोनेंट अभी सील अनसील करेंगे तो दिखाएंगे आपको। उसके अलावा XPG की इसमें 850W गोल्ड 80+ गोल्ड फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई लग रही है, प्लस ग्राफिक कार्ड देखिए कौन सा लग रहा है, Zotac गेमिंग का G4 RTX 4070 Ti 12GB का ग्राफिक कार्ड, आइसस्ट्रॉम स्पेक्ट्रा फीस्टेक फायरस्ट्रॉम, और उसके अलावा 5S के 1TB आने वाला ग्राफिक कार्ड। भैया सबसे पहले सील दिखाएं आपको, रुकिए करण भाई देखिए ये रही सील आपकी, उसके अलावा ये रही आपकी सील 12GB का ग्राफिक कार्ड, और सीरियल नंबर कहाँ गया, ये रहा सीरियल नंबर। सारे कंपोनेंट के प्राइस डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, लिंक में, लिंक को क्लिक करो आप, वहाँ से आप सीधे इसके अमाउंट पे पहुँच जाओगे। उसके अलावा एक कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड ML360 इलूजन लिक्विड कूलर लग रहा है इसमें, साथ में रैम कौन सी लग रही है देखिएगा, नजर मारिएगा आप लोग एक बार, इसमें रैम देखिए लग रही है किंगस्टन की फ्यूरी 16GB की 2 स्टिक DDR5 6000 MHz, देखिए 6000 MHz की रैम लग रही है, RGB रैम प्लस 2TB की एक लग रही है इसमें हार्ड डिस्क। अब हम एक काम करेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी पॉज नहीं करेंगे, सो ये फ़ोन पकड़ो आपको तुरंत आपके सामने हम सारे कंपोनेंट की सील काटेंगे आपके सामने, और करीब आओ देखिए, सबसे पहले हम इसमें सील ब्रेक कर रहे हैं रैम की, ये गई रैम की सील गई, दूसरी वाली सील ये गई रैम की, दूसरी वाली रैम की भी ये गई सील। उसके बाद देखिए प्रोसेसर की सील आपके सामने, देखिए प्रोसेसर सील पैक है ए, ये है कि इसकी भी सील गई हमारी, और NVMe इधर से भी सील पैक, इधर से भी सील पैक, ये देखिए ये गई आपकी NVMe की सील, हार्ड डिस्क की सील ये गई, हार्ड डिस्क की सील। उसके अलावा ग्राफिक कार्ड की सील आपके सामने काटें ए, ये देखिए ग्राफिक कार्ड भी गया। अब आ जाइए मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे आपका ये क्या भैया, सब्सक्राइब करते रहना, वरना ये चाकू देखा है, इस चाकू से सील ही काटेंगे हम, और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपसे, कर लेना सब्सक्राइब यार, ठीक भाई। उसके अलावा ये देखिए ये गई आपकी पावर सप्लाई की सील, ये हो गई इसकी भी सील फ्रैक। भाई साहब लुक कैबिनेट का बहुत अच्छा आएगा, अपने में 22 किलो की कैबिनेट है, 22 kg वेट है, और ये गई हमारी कूलर मास्टर के लिक्विड कूलर की भी सील। ये सारी सील कर चुकी हैं, अब हम एक काम करते हैं टाइम लैप्स, देखो आपके सामने हम सारे कंपोनेंट को अनबॉक्स करेंगे, निकालेंगे एक एक कंपोनेंट, देखते जाओ आप। सो भाई लोग देखिए सारे कंपोनेंट हमारे अनबॉक्स हो चुके हैं A to Z। देखिए सबसे पहले ये रखी हमारी पावर सप्लाई आपके 850 वॉट गोल्ड, उसके अलावा ये रहे आपके फैन जो कि इस बिल्ड में यूज़ हो रहे हैं कूलर मास्टर के MF S2 फैन, 1, 2, 3 फैन, प्लस ये हो गई आपकी हार्ड डिस्क 2TB की सीगेट, ठीक। उसके अलावा ये रही आपकी रैम, ये देखिए किंगस्टन फ्यूरी बीस्ट 16GB की 6000 MHz की 2 स्टिक रैम, और ये हो गई आपकी NVMe जिसका सीरियल नंबर कुछ ये रहा आपके सामने, देखिए SN2902 है, इसकी हीट सिंक दे रखी है हमें ये यहाँ पर, जो कि हम नहीं लगाएंगे क्योंकि मदरबोर्ड में ऑलरेडी हमें हीट सिंक प्रोवाइड कर रखी है। और उसके अलावा ये रहा आपका प्रोसेसर 13600KF, उसके अलावा ये देखिए मदरबोर्ड दे रखा है हमारा, ठीक 4 RAM स्लॉट देखिए आपको मिलते हैं। उसके अलावा ये देखिए आपको NVMe का स्लॉट दे रखा है, और देखिए ये है आपको 1, 2, 3, 4 ATI स्लॉट देखें, जिसमें पहले वाले में देखिए बटन दे रखा है इस टाइप का बटन ताकि टूटे ना। उसके अलावा 1, 2, 3 NVMe के भी आपको इसमें स्लॉट मिल जाते हैं। और बात करें अगर IO पोर्ट्स की तो ये रहे इसके IO पोर्ट्स, टाइप सी का भी पोर्ट मिलता है देखिए, और ये हो गया वाईफाई और उसका ब्लूटूथ का वो, ठीक। उसके अलावा ये आपका लिक्विड कूलर 1, 2, 3 फाइन लिक्विड कूलर के विद, ये देखिए आपके AIO और सॉरी लिक्विड कूलर
ये रहा आपका ग्राफिक कार्ड ZOTEC का 3070 Ti, ठीक भाई। ये देखिए ग्राफिक कार्ड जिसमें आपको पोर्ट्स कितने मिलते हैं, 4 पोर्ट्स मिलते हैं। तो ये हो गया, अब हम एक काम करते हैं, भाभी आपकी आती हैं और इसको करती हैं बिल्ड, और आप देखो उसके बाद आते हैं बेंचमार्क पे, दिखाते हैं सिस्टम लग कैसा रहा दिखने में। सर सारे कंपोनेंट हमारे अनबॉक्स हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं इसमें इसको बिल्ड करने, मतलब बंडल बनाने। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें प्रोसेसर, तो आप लोग देख लीजिए कि प्रोसेसर को कैसे लगाते हैं। तो प्रोसेसर हमने इसमें लगा दिया है, अब बारी NVMe की है। सो NVMe अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं। NVMe कैसे लगाते हैं आप देख लो, इसमें जो ये दिया है इसको पहले खोलना है आपको, ये थर्मल पैड है इसको आपको खोलना है, इसके अंदर NVMe लगेगी। NVMe भी हमने इसमें लगा दी है, और अब आ रही है रैम की। रैम के 4 स्लॉट दे रखे हैं इस मदरबोर्ड में, और हम लोगों को 2 रैम लगानी है, तो सेकेंड और फोर्थ स्लॉट में हमें इसमें रैम लगानी है। सो गाइज बंडल हमारा जो है वो रेडी हो गया है, प्रोसेसर रैम और NVMe हमने सारी कुछ इसमें लगा दिया है। और अब हम करते हैं लिक्विड कूलर को रेडी, लिक्विड कूलर को असेंबल कर लेते हैं, तीनों फैन लगाने हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। ओ भाई साहब, पीसी बन के अपना रेडी हो गया है। एंड पता नहीं मुझे आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर ह्यूमन आई से देखोगे ना तो एक मतलब लग रहा है बहुत बड़ा कोई सर्वर वाली मशीन टाइप का लग रहा है कुछ। ये देखो इसका केबल मैनेजमेंट सब कंप्लीट हो चुका है, हार्ड डिस्क पीछे लगी हुई है, बहुत ज़बरदस्त केबल मैनेजमेंट निकल के आया है, सब कुछ एवरीथिंग सॉर्टेड मस्त है ज़बरदस्त। और करें पावर ऑन करें इसको, देखो इस फ्रंट पे भी ग्लास, साइड भी ग्लास, टॉप भी ग्लास और इधर का भी ग्लास है। देखो ये हिंज डोर है, इसको खोल के ये दो पेज होते हैं इसके, ये लगाए जाते हैं। देखो ये दो पेज से यहाँ से टाइट कर दिया जाता है। तो इसको पावर ऑन करके दिखाएं आपको पहले हम। सो 3, 2, 1 गो। ये हमने कर दिया है इसका पावर ऑन, और ये धीरे धीरे इसकी आ रही है लाइट। ये देखिए धीरे धीरे लाइट्स आ रही हैं, सारी लाइट्स आ चुकी हैं फ्रंट में। देखिए मैंने फ़ैन की बात आपको बताई थी ना, ये फ़ैन कटा हुआ क्यों था, क्योंकि जो 140 एम पर फैन जो फ्रंट और टॉप पर लगाए ना, ये लगा था पीछे। तो अंकित भाई ने क्या किया, इसको निकल के लगाया आगे क्या बोलते हैं इसके वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि 3 140 एम के फैन अगर फ्रंट में लगेंगे तो उसका जो वेंटिलेशन जो अंदर एयर फेंक रहा है ना, ये अलग ही किस्म की हवा फेंक रहा है ज़बरदस्त। उसके अलावा लुक देखिए आप कैसा लग रहा है, मस्त लुक आ रहा देखिए निकल के। ऊपर आपके लिक्विड कूलर के फ़ैन हो गए, और ये देखिए इसका CPU हीटर कूलर मास्टर का आपके Illusion 360। और आपकी हो गई रैम्स, उसकी भी लाइट्स काफ़ी ब्राइट हैं। ये आपके ग्राफिक कार्ड की लाइट्स भी देखिए काफ़ी ब्राइट लाइट आ रही हैं। उसके अलावा पीछे देखिए आपको एक ये और फैन लगा हुआ, आजकल फ़ैन की इतनी मारा मारी है कि फ़ैन मिल ही नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से तो ये फ़ैन मिले हैं। और ये आपके 3 फैन हो गए 140 एम के फ्रंट में, तो इट मीन्स आपको वेंटिलेशन में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और देखिए जो पावर ऑन ऑफ स्विच ना, कितना अच्छा प्लेस किया गया है, कितने अच्छे तरीके से, कितना गुड लुकिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लुक, बहुत ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और यहाँ पे सप्लाई देखिए लगी हुई है SMPS, इसका भी कटआउट दे रखा है, तो आपको दिख रही है कौन सी लगी है, कोर रिएक्टर 850 वाट गोल्ड। अब ये काम करें इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं इसके बेंचमार्क में 2 गेम टेस्ट करेंगे, एक GTA 5, दूसरा इसका टेस्ट करें गॉड ऑफ वॉर। 2 गेम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि 4070 Ti और 13600 KF में क्या परफॉर्मेंस आती है विद 32 GB रैम के साथ। बाकी PC कैसा लग रहा है आप लोग बताओ, देखो बहुत ज़बरदस्त PC लग रहा है भाई, धासु लग रहा है एकदम धासु।
सो भैया बहुत ही बड़ी भौकाली मशीन हमारी बिल्ड हो चुकी है, और कैसी बिल्ड हुई आप लोग बताइएगा। आपने इसके गेम्स देखे, क्या बोलते हैं, GTA 5 को भी देखे बेंचमार्क, और उसके अलावा हवा आदि, और उसके अलावा आपने इसके गॉड ऑफ वॉर के भी बेंचमार्क देखे, क्या परफॉर्मेंस आई आपके सामने थी इसीलिए। और हम लोग परफॉर्मेंस में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो कितने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं ना, उसको वैसे ही टेस्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा भैया बहुत बहुत मुबारक आपको, कामरान भाई श्रीनगर में, कामरान भाई रहते हैं भाई, आपके अभी श्रीनगर में घूम के आए हैं, बहुत अच्छी जगह है कामरान भाई, आएंगे अगर कभी श्रीनगर दोबारा, आज जब भी आना हुआ हमारा कश्मीर, आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। आप हैं, तसव्वुर भाई हैं, और 5-6 लोग हैं ऐसे जो बहुत ही करीबी हैं, जो ऑलरेडी श्रीनगर में रहते हैं कश्मीर में। और ऐसे ही भैया वीडियो देखते रहना, कोई क्वेरी हो तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के करना, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी वहाँ पे कोशिश प्रयत्न करेंगे। ठीक भाई, आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो, और लाइक कीजिएगा ना, कहिएगा नहीं, और थोड़ा सा एनर्जी डाउन है इसलिए क्योंकि ये रोज़ा चल रहा है, फास्ट है, हम लोग का रमज़ान चल रहा है ना, तो फास्ट है इसीलिए एनर्जी डाउन है थोड़ी सी। बाय बाय।